फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग आवभाव थ्योरी पढ़े थे। आवभाव थ्योरी से हम लोग देखे और सीखे कि किस प्रकार किसी तत्व का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। आज हम लोग आवभाव थ्योरी जो उनका जो सिद्धांत था, उनके सिद्धांत के भी कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से जो शॉर्ट फॉर्मेट है एनर्जी लेवल ऊर्जा स्तर, उसको एक बार फिर से हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। तो देखिए, हम लोग कल पढ़े थे एन प्लस एल, उनके थ्योरी का एक हिस्सा था एन प्लस एल। तो एन क्या है? तो एन कक्षा की संख्या को बतलाता है। एन जो है वो कक्षा की संख्या को बतलाता है और एल जो है उपकक्षा, उपकक्षा का मान को बतलाता है। जिसको हम लोग इंग्लिश कक्षा को हिंदी इंग्लिश में ऑर्बिट करते हैं, वो कक्षा को सबसेल भी बोलते हैं। सब सेल, सबसेल के मान को बतलाता है। एन जो है वो कक्षा को रिप्रेजेंट करता है, एल जो है वो कक्षा या यूं कहिए कि सबसेल का मान बतलाता है। इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा स्तर ज्ञात करते हैं। और हम लोग ये सीखे कि जिस का ऊर्जा, जिस सबसेल का ऊर्जा स्तर सबसे कम होता है, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन उसी में भरते हैं। जिस ऊर्जा स्तर का एनर्जी लेवल, जिस सबसेल का एनर्जी लेवल सबसे कम होता है, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन उसी में भरते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्मेट से कि एनर्जी लेवल हम कैसे ज्ञात करेंगे। पिछले क्लास में भी बताए थे, लेकिन आज थोड़ा सा इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। उसके बाद उनका अपवाद जो है क्रोमियम, कॉपर, एजी और एयू, ये जो चार तत्व हैं, इसके ऊपर उनका थ्योरी पूर्णता काम नहीं करता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एनर्जी लेवल, ये एन प्लस एल है। उससे पहले ये जान लीजिए, ये एस सबसेल है, पी सबसेल, डी एस पी डी एफ, इसको हम लोग उपकक्षा भी बोलते हैं। एस उपकक्षा का वैल्यू शून्य होता है, पी का उपकक्षा का वैल्यू वन होता है, डी उपकक्षा का वैल्यू टू होता है और एफ उपकक्षा का वैल्यू थ्री होता है। ये वैल्यू बतला रहे हैं एस उपकक्षा, पी उपकक्षा, डी उपकक्षा और एफ उपकक्षा, उसका वैल्यू जीरो, वन, टू, थ्री। और एस उपकक्षा में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में अधिकतम छह इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी में अधिकतम दस इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एफ में अधिकतम चौदह इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कम रह सकते हैं लेकिन अधिक नहीं रह सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि एस में अधिक से अधिक दो, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी में अधिक से अधिक छह, पी में अधिक से अधिक छह, यानी दो, चार, तीन, सभी तरह के इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, संख्या हो सकती है। डी में अधिक से अधिक दस इलेक्ट्रॉन, यानी सात, आठ, नौ, तीन, दो, पांच, कोई भी कितने भी इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन दस से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। एफ में अधिकतम चौदह इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उससे कम भी रह सकते हैं लेकिन उससे अधिक नहीं रह सकते हैं। तो हम लोग ये देखें कि एस उपकक्षा के वैल्यू शून्य होता है, पी का वन, डी का टू, एफ का थ्री, और एस उपकक्षा में अधिक से अधिक दो इलेक्ट्रॉन, पी में छह, डी में दस और एफ में चौदह। तो इसके माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखेंगे और इसका एनर्जी लेवल भी ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट एस का एनर्जी लेवल, तो ये क्या है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ये जो है ना, ये कक्षा की संख्या बतला रहा है, ठीक है। और एस पी डी एफ जो वो आपका उपकक्षा का है, उपकक्षा और कक्षा के मान वहां पर हम लोग लिखे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट एस का एनर्जी लेवल क्या, वन प्लस शून्य इक्वल टू क्या, वन। टू एस का एनर्जी लेवल क्या, टू प्लस शून्य इक्वल टू टू। टू पी का एनर्जी लेवल क्या, थ्री। थ्री एस का एनर्जी लेवल क्या है, थ्री। थ्री पी का एनर्जी लेवल क्या है, फोर। थ्री डी का एनर्जी लेवल क्या है, फाइव। कैसे फाइव है, सो भी देख लीजिए, तो थ्री, तो थ्री, डी का देखिए वैल्यू क्या है वहां पे, तो टू, तो थ्री प्लस टू इक्वल टू क्या, फाइव। ये हम लोग एनर्जी लेवल ज्ञात कर रहे हैं। उसी प्रकार से फोर एस का एनर्जी लेवल फोर, फोर पी का एनर्जी लेवल फाइव, हाँ, फोर डी का एनर्जी लेवल सिक्स, फोर एफ का एनर्जी लेवल सेवन, फाइव एस का एनर्जी लेवल फाइव, फाइव पी का एनर्जी लेवल सिक्स, फाइव पी का एनर्जी लेवल सेवन, फाइव एफ का एट, सिक्स एस का सिक्स, सिक्स पी का सेवन, सिक्स डी का एट। कैसे है, सो एक बार फिर देखते हैं, कक्षा
उप कक्षा क्या है तो डी, और डी का वैल्यू क्या है तो 2 है, तो 6 प्लस 2 इक्वल टू क्या 8, 6 प्लस 3 इक्वल टू क्या 9। इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं 7s 7b 7d एवं 7f क्या है तो 7, 8, 9 एवं 10। तो जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन उसी में भरते हैं। तो कल हम लोग एनर्जी लेवल भी सीखे थे, उसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए भी सीखे थे। आज हम लोग इसी एनर्जी लेवल के माध्यम से हम लोग क्रोमियम कॉपर एजीए क्या है कि ये आपका अवबोध थ्योरी का बल है। ये चार तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग लिखते हैं तो पाते हैं कि उस जगह अवबोध थ्योरी का थ्योरी जो है वो काम नहीं करता है, उसको उससे वो क्या होता है आगे चला जाता है। तो देखिए क्रोमियम, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24, कॉपर का 29, एजी का 47, एयू का 79। इन सब तत्वों को आप लोग जब देखिएगा और रिव्यू टेबल को जो हम पढ़ाए आप लोग देखे अगर होंगे तो ये जितने भी तत्व ये सभी जो है वो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आइए हम लोग देखते हैं इनका क्यों अपवाद है, सो देखा जाए। क्रोमियम तो सबसे पहले ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सबसे पहले जिसका एनर्जी लेवल कम है, तो सबसे कम एनर्जी लेवल क्या है 1, उसका क्या है तो फर्स्ट तो फर्स्ट 2, उसके बाद क्या है तो 2s तो 2s2, इसी प्रकार 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। फर्स्ट एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स, फोर एस टू, थ्री डी फोर काउंट कर लेते हैं क्योंकि जितनी यहां संख्या है ये परमाणु क्रमांक भी डिनोट करता है और उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी ये बदलाता है। तो देखते हैं तो यहां 24 है तो 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 24। आउटबाउंड थ्योरी के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इस सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यह अस्थाई नहीं है। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ऐसा ध्यान रखा जाता है कि जो अस्थायित्व की प्राप्ति करे। तो अस्थायित्व की प्राप्ति के लिए होता क्या है, जिसका नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वह क्या होगा जिसके कारण अवबोध थ्योरी फेल होता है 4s1 और 3d5। अब सवाल उठ रहे होंगे आप लोग मन में सर कि आपने 4s2 और 3d4 की जगह आपने 4s1 और 3d5 क्यों किए, होना भी चाहिए। अगर नहीं है तो मतलब कि आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे। आखिर 4s2 जितना फॉर्मेट हम लोग पढ़ते आ रहे कि 4s2 उसके बाद 3d में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 3d में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जितना मेरे पास शेष रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन उसमें रुक देंगे। मेरे पास शेष इलेक्ट्रॉन 4 था, हम 4 दिए। लेकिन एक सिद्धांत है, वह सिद्धांत यह है कि d4 और d9, समझिए d4 एंड d9 इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। d4 और d9 जो है वह संभव नहीं है। अब सवाल उठ दीजिए क्यों नहीं संभव है, ये भी आप समझ लीजिए। d में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 10, तो डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक और आप लोगों ने पढ़ाए होंगे और वाइटर, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, तो डी में 5 वाइटर होते हैं। और हम लोग ये भली भांति जानते हैं कि प्रत्येक और वाइटर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं विपरीत चक्रण द्वारा। अब हम लोग देखिए d4 अगर होता है तो क्या होता है, तो देखिए 1, 2, 3, 4 ये घर क्या है तो खाली रह गया। तो ये जब घर खाली रह गया किसी आगंतुक को आप बुलाते हैं और उन्हें आप बुला करके केवल क्या करते हैं चाय दे करके भेजा देते हैं, तो थोड़ा सा समाज के बीच में लोग जानते हैं कि किरकिरी का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही है, इनको बुलाए हैं, इसके
से पांच व्यक्ति को बुलाए हैं और उसमें से चार को हमने क्या किया है कि चाय नाश्ता करा दिए हैं और एक को छोड़ दिए, तब तो दिक्कत तो होगी। तो इसके लिए होता क्या है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाता है, तो डी में चला जाता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाता है, डी सबसेल में चला जाता है। तो होता क्या है, तब जाकर के यह क्या हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, क्योंकि यह अर्ध भरा होता है। अब कहा जाता है अर्ध भरा और पूर्ण भरा ज्यादा अस्थायी होता है, तो अस्थायित्व की प्राप्ति के लिए ही डी फोर जो है वह डी फाइव में बदल जाता है और डी नाइन जो है वह डी टेन में बदल जाता है। डी फोर जो है वह डी फाइव में और डी नाइन जो है वह डी टेन में बदल जाता है। यही कारण है कि क्योंकि अब थ्री बदलाया था कि पहले फोर एस भरेगा तब थ्री डी भरेगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पहले थ्री डी को अर्ध भरा कर रहे हैं तब जाकर के हम लोग फोर एस में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। मतलब क्या, अब थ्योरी यहाँ क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। इस उनका सिद्धांत जो था इन चार तत्वों पे काम नहीं कर रहा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि क्रोमियम कॉपर एजी और ए पर उनका थ्योरी फेल हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हम लोग देखें कि इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 4s1 और 3d5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ज्यादा स्थायी होता है। ज्यादा स्थायी होने के कारण 4s1 3d5, यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन जम करके 3d में चला जाता है, जिससे यह 4s1 और ये 3d5 हो जाता है। और 3d5 हो जाने से डी में क्या होते हैं, पांच ऑर्बिटल होते हैं। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पांच ऑर्बिटल होते हैं और पांच ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। एक चीज और आप लोग यहाँ पे ध्यान दिला देते हैं कि प्रत्येक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एस में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब क्या, एस में एक ऑर्बिटल होंगे, पी में कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, छह का था कितना होता, तीन। मतलब क्या, पी में तीन ऑर्बिटल, डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 10, तो उसका आधा क्या हो गया, 5। तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। एक में ऑर्बिटलों की संख्या, इलेक्ट्रॉन 14 है तो क्या होंगे, 7। तो एक में अधिकतम 7 ऑर्बिटल, मतलब एस में एक ऑर्बिटल, पी में तीन ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल। पिछले क्लास में पहले हम इस चीज को आप लोग बता ही चुके हैं कि ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिट क्या है, सब ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है, ये सब हम लोग पढ़े हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इसका, देखें कि 4s1 और 3d5 क्यों हुआ है और क्यों अब थ्योरी को ये उससे आगे चल करके काम करता है। अब हम लोग देखते हैं कॉपर, कॉपर का इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक कितना है, 29। ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब देखिए कॉपर, तो फर्स्ट एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब देखिए यहां कौन सा है, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 18, 2, 20, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 29, 20 हमने खर्च कर दिया, बचा कितने मेरे पास, 9, तो 3d9। लेकिन हम लोग जानते हैं कि d4 और d9 संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि यह अस्थायी नहीं करता है, इससे अस्थायित्व की प्राप्ति नहीं होती है। तो यही कारण है कि d4 और d9 संभव नहीं है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप होकर कहां चला जाएगा, तो 3d में चला जाएगा। तो इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 4s1 और 3d10। इससे क्या होता है, स्थायित्व की प्राप्ति हो जाता है। फिर यहां पर क्या हो रहा है, अब थ्योरी फेल हो रहा है, उससे आगे निकल जा रहा है और यह अपना एक अलग सिद्धांत के साथ आगे बढ़ता है। तो सोचने से किन किन तत्वों के साथ, बस यही क्रोमियम कॉपर एजी और एयू,
इन चार तत्वों के साथ ही D4 और D9 जो है आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर D4 आ गया तो उसको D5 में बदलना है और D9 आ गया तो उसे D10 में बदलना है। बाकी अन्य जितने भी तत्व हैं उनके साथ ये समस्या नहीं है, केवल क्रोमियम, कॉपर, एजी और एक जो बहुमूल्य तत्व है। अब देखते हैं, अब बारी आती है एजी चांदी जिसका परमाणु क्रमांक 47। इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स, फोर एस टू, थ्री डी टेन। चलिए इतना तक। इसके बाद समझ लेते हैं कि हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखने आता है तो कैसे लिखूं, एन प्लस एल एनर्जी लेवल से। अब एनर्जी लेवल इसे हम देखते हैं, 4s 4 का एनर्जी लेवल है, 3p 3 का एनर्जी लेवल है, 4 का एनर्जी लेवल है, 3d इसमें कितना है 5। तो 5 का एनर्जी लेवल हम यूज कर लिए। तो 5 का एनर्जी लेवल कहां कहां आ रहा है उसको देखिए। 5 का एनर्जी लेवल यहां है, 5 का एनर्जी लेवल यहां है और 5 का एनर्जी लेवल यहां है। तो अभी तो हम लोग 30 तक लिख लिए, दो चार दस बारह अठारह बीस तीस हमारे पास तो कितने हैं 47, अभी भी हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। अब हमको ये नहीं पता कैसे इसके आगे क्या होगा, तो ये हम सहारा लेंगे आपका एनर्जी लेवल का। तो हम लोग 5 का एनर्जी लेवल 3d5, 3d10 हो गया है, 3d क्या है 5 का एनर्जी लेवल है, तो 5 का एनर्जी लेवल कहाँ कहाँ पे है तो 3d है और कौन है 4p है और कहाँ पे है 5s है। तो 3d के बाद क्या आएगा तो 4p आएगा, तो 3d के बाद क्या तो 4p, तो 4p क्या हो गया ये कितना इलेक्ट्रॉन लेता है 6 इलेक्ट्रॉन लेता है, और 4p के बाद क्या आएगा तो 5s, तो 5s 2। 5 का एनर्जी लेवल खत्म हो गया। अब हम लोग 6 का एनर्जी लेवल देखते हैं, तो 6 का एनर्जी लेवल कहाँ कहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है और कहाँ पे है यहाँ है, तो 6 का एनर्जी लेवल 4d। हम लोग कौन कर लेते हैं इससे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरने से पहले कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच कितने रहे, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 मेरे पास 47 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें हमने 38 खर्च कर दिया, बता कितना 9, तो 4d9। लेकिन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या आप लोग बताए हैं कि D4 और D9 जो है वो संभव नहीं है, D4 और D9 संभव नहीं है, इसलिए तो क्या संभव है D4 की जगह D5 और D9 की जगह D10। मतलब क्या, तो इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा तो 5s1 और 4d10 हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्चुअल जो होगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन जम करके क्या होता है डी में चला जाता है, तो ये क्या हो जाता है 5s1 और ये क्या हो जाता है 4d10। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है और अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाता है। तो क्या देखें हम लोग कि ये जो भी एलिमेंट्स है क्रोमियम, कॉपर, एजी और क्या एयू, इसका परमाणु क्रमांक 79। तो हम लोग देखें क्या कि ये चारों तत्व जो है वो आवभाव थ्योरी के से अलग हट करके उससे आगे जाता है। तो आज हम लोग सीखे कि आवभाव थ्योरी से इन चारों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए उससे हट करके, और ये सोना जिसको एयू इसका परमाणु क्रमांक 79 ये आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, आप लोग अपने घर पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा। जाने से पहले कुछ और भी वर्क हम देते हैं, तो आप लोगों के लिए एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, ये टॉपिक खत्म हो गया है, तो हम देखना चाहते हैं कि आप लोग इससे कितना समझे हैं। आप लोगों से सवाल ये है कि 3d से पहले 4s क्यों आता है, दूसरा सवाल है कि 4d से पहले 5s क्यों आता है,
तो आइए इसको फिर से हम लोग जानते हैं कि 3D से पहले 4S क्यों आता है, 4D से पहले 5S क्यों आता है। अक्सर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिख इससे पहले मेरे बताने से पहले आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते होंगे तो अक्सर पाते होंगे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अक्सर आपके दिमाग में आता होगा कि 3p के बाद तो 3d होना चाहिए, 4s क्यों आया, 3p के बाद 3d आना चाहिए तो फिर 4s क्यों आया। तो इसको व्याख्या जो है वो आपका एनर्जी लेवल ही करता है। तो देखिए यहाँ पे 3d का एनर्जी लेवल तो 3 + 2 इक्वल टू क्या 5। 4s का एनर्जी लेवल 4s का एनर्जी लेवल 4 + 0 इक्वल टू क्या 4। क्या देख रहे हैं कि इसका एनर्जी लेवल 5 है, इसका एनर्जी लेवल 4 है। यही कारण है कि 3d से पहले 4s आता है, यही कारण है कि 3d से पहले 4s आता है, और यही वजह है कि 4d से पहले 5s आता है, क्योंकि 4d का एनर्जी लेवल ज्यादा है इससे तो 5s से। ठीक है, तो आप लोग जो क्वेश्चन इसको आप लोग घर पे बनाइएगा, और एक क्वेश्चन और छोड़े हैं AU का, उसका आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा जो कि ये आपका क्या है, ताऊबाव थ्योरी के विरुद्ध, ये अपना एक अलग सिद्धांत के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता है जिसमें सिद्धांत क्या है D4 एंड D9 इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है।